नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। बिग बॉस 14 में सिद्धार्थ शुक्ला द्वारा स्वारा गुरुपाल का इवेक्शन किए जाने के बाद मेकर्स के साथ साथ सीनियर सिद्धार्थ शुक्ला को खूब ट्रोल किया गया था। बिग बॉस के घर से बाहर होने के बाद सारा गुरुपाल ने खुद भी सिद्धार्थ के फैसले पर सवाल उठाए थे। अब इस हफ्ते होने वाले एलिमिनेशन का जिम्मा भी सिद्धार्थ शुक्ला के हाथों में ही है। बिग बॉस मेकर्स ने एलिमिनेशन की आखिरी डोर सीनियर सिद्धार्थ शुक्ला के हाथों में दे दी है। किसकी डोर कटेगी और कौन आगे बढ़ेगा, यह अब सिद्धार्थ शुक्ला तय करने वाले हैं। जारी किए गए सोमवार का वार वाले प्रोमो में सलमान खान कहते हैं, अब वेटिंग लिस्ट से आपकी बिग बॉस के घर के अंदर सीट कंफर्म होने जा रही है, तो अब सभी कंटेस्टेंट को बारी बारी से यह बताना है कि आपको कौन सा सदस्य बिग बॉस की कंफर्म लिस्ट के अंदर नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद सभी घरवाले बारी बारी से एक दूसरे को नॉमिनेट करते हैं और चेहरे पर स्प्रे करते हैं। एजाज खान रूबीना दिलेक को, पवित्रा पूनिया जान कुमार शानू को, रूबीना दिलेक राहुल वैद को, तो वहीं निक्की तंबोली व राहुल वैद अभिनव शुक्ला को नॉमिनेट कर उनके चेहरे पर स्प्रे करते हैं। इसके अलावा सलमान खान ने एक और टास्क किया, जिसमें उन्होंने सभी फ्रेशर को दो दो की जोड़ी में नाम दिए और एक एक स्क्रीन के पीछे खड़े होने के लिए कहा गया। उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान से कहा कि उन्हें बताना है कि वह किस फ्रेशर को बिग बॉस के घर में आगे भी देखना चाहते हैं। इसके बाद तीनों सीनियर सभी फ्रेशर्स को लेकर अपना फैसला सुनाते हैं। सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा है कि वह बिग बॉस के घर में रूबीना दिलेक, निशांत मलकानी और राहुल वैद को नहीं देखना चाहते, जबकि हिना ने जैस्मिन भसीन और राहुल वैद नाम लिया। वहीं गौहर खान ने कहा कि वह पवित्रा पूनिया, जान कुमार शानू और अभिनव शुक्ला को बिग बॉस के घर में नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन इन नामों पर तीनों सीनियर्स के बीच में सहमति नहीं बन पाती है। अब बिग बॉस में कौन कौन रहेगा और किसका पत्ता कटने वाला है, यह आज के सोमवार का वार स्पेशल एपिसोड में पता चल जाएगा।